मैच से 10 घंटे पहले जोस बटलर ने बिछा दिया धोनी वाला माया जाल। अचानक से इंग्लैंड का यह घातक खिलाड़ी हुआ बाहर। मैच शुरू होने से पहले ही कैसे हार गया न्यूजीलैंड। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए गुस्से की आग में उबल रही है न्यूजीलैंड। बटलर के खिलाफ ट्रेंट बोल्ट ने बनाया घातक प्लान। अचानक से केन विलियमसन हुए वर्ल्ड कप से बाहर। पिछली बार बेईमानी करके इंग्लैंड बना था विश्व चैंपियन। मैदान में ही रोए थे विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट। क्या इस बार न्यूजीलैंड करेगी पलटवार। विश्व कप का पहला मैच शुरू होने से 10 घंटे पहले ही जोस बटलर ने धोनी वाला दिमाग लगाते हुए कीवियों के खिलाफ ऐसा घातक मायाजाल बिछा दिया है जिस मायाजाल की वजह से न्यूजीलैंड मैच शुरू होने से पहले ही हार गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ जोस बटलर के बिछाए हुए मायाजाल पर भी आएंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले आप लोगों को बताता हूं इंग्लैंड के उस घातक खिलाड़ी के बारे में जो महामुकाबले से 10 घंटे पहले ही मैच से बाहर हो गया है। वह घातक खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि विश्व कप में विरोधी टीमों के जज्बातों से खेलने वाला बेन स्टोक्स है। जी हाँ, उसी बेन स्टोक्स का बात कर रहा हूँ जो एक साल पहले वनडे क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया था। वैसे अंग्रेजों की यह पुरानी परंपरा रही है, पहले क्रिकेट से इस्तीफा दो फिर विश्व कप से ठीक पहले ही जंग के मैदान में उतर जाओ। विश्व कप के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड की टीम चैन की सांस इसलिए ले रही है क्योंकि विश्व कप के इतिहास में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा दुश्मन बेन स्टोक्स पूरी तरह से फिट नहीं होने की वजह से आज के मैच से बाहर हो गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम बेन स्टोक्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए मानती है क्योंकि यही बेन स्टोक्स कुछ दिन पहले ही वनडे क्रिकेट में वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के ही खिलाफ 184 रनों की तूफानी पारी खेली थी। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल का मुकाबला भला न्यूजीलैंड कैसे भूल सकता है जब बेन स्टोक्स ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ियों को मैदान पर रोने पर मजबूर कर दिया था। केन विलियमसन हो या फिर टीम सऊदी या फिर ट्रेंट बोल्ट ही क्यों ना हो, हर एक खिलाड़ी मैदान पर रोता हुआ नजर आया था फाइनल मुकाबला हारने के बाद। और सुपर ओवर में अंग्रेजों ने बेईमानी करते हुए न्यूजीलैंड से विश्व कप की ट्रॉफी छीन लिया था। पिछली बार फाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड की पूरी टीम बदले की आग में उबल रही है। मोदी स्टेडियम में आज दोनों टीमों के बीच घातक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि केन विलियमसन भी पूरी तरह से फिट नहीं होने की वजह से आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं। यह न्यूजीलैंड के लिए महंगा भी साबित हो सकता है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अकेले ही जोस बटलर को पहले ही ओवर में आउट करने का घातक प्लान बना लिए हैं। अब आते हैं जोस बटलर के बिछाए हुए उस माया जाल पर जिसकी वजह से पूरे न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड का हर एक खिलाड़ी डरा सहमा हुआ है। इस माया जाल को आप लोग ध्यान से सुनिए। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, लेकिन जोस बटलर की इंग्लैंड टीम पूरे 16 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, 100% इंग्लैंड की आज यही प्लेइंग 11 होने वाली है। इंग्लैंड की टीम में 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं। मतलब इंग्लैंड की पूरी टीम ऑलराउंडर की फौज से भरी पड़ी है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी दोनों में काफ़ी गहराई नज़र आती है इंग्लैंड की टीम में। सैम करन हो या फिर क्रिस बॉक्स हो या फिर लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली ही क्यों ना हो, बेन स्टोक्स हो या फिर आदिल रशीद हो या फिर डेविड विली हो, दोस्तों यह सब वह खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। इनमें किसी का एक का भी दिन होने पर विरोधी टीमों के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। लियाम लिविंगस्टोन अकेले दम पर मैच जिताना जानते हैं तो वहीं पर सैम करन शुरुआती के ओवरों में विकेट लेना जानते हैं, तो वहीं पर क्रिस बॉक्स बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करना अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी तरफ विरोधी टीम न्यूजीलैंड के पास इतने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का ऑप्शन नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड के टीम में भी एक दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी ज़्यादा घातक नजर आते हैं, मगर केन विलियमसन के पहले मैच से बाहर होने की वजह से न्यूजीलैंड की टीम हमें काफी ज्यादा कमजोर लग रही दोस्तों। वैसे आप सभी का क्या कहना है, विश्व कप के पहले मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग विश्व कप के सभी मैचों की इसी तरह की मजेदार मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग क्रिकेट की अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें।